और चलिए बड़ी खबर से शुरुआत। आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है। बैठक में 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद कूच की रणनीति पर मंथन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 से 30 ट्रैक्टर पर 500 किसान ट्रैक्टर से करेंगे संसद मार्च। ये बात राकेश टिकैत ने कही है। संसद चलने तक हमारी मांगों पर सरकार विचार करे, ये समय है सरकार के पास काफी कि वो विचार कर ले, सोच ले। ये बात राकेश टिकैत ने कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखना ये होगा कि आज क्या फैसला सामने आता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं, अपनी अन्य मांगों के साथ किसान आ चुके हैं, ऐसे में आज का दिन अहम है। लाल किले वाला कोहराम, फिर संसद कूच का प्लान। राकेश टिकैत के बवाली, फिर जलाएंगे दिल्ली। टिकैत के 500 लठैत, दिल्ली में ट्रैक्टर टेरर की तैयारी। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा। तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। सुना आपने, चेतावनी टिकैत की है, दिल्ली में ट्रैक्टर टेरर की है। 20 से 30 ट्रैक्टर पर 500 किसान कूच करेंगे लोकतंत्र के मंदिर तक। क्या होगा प्लान, कौन सा होगा रूट, किस बॉर्डर से दिल्ली में लेंगे प्रवेश, कौन कौन होंगे वो 500 लठैत जो संसद भवन कूच करेंगे, इसका पूरा खाका आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक में तय होगा, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। एक साल से दिल्ली को बंधक बनाने वाले ये अय्याश जी भी किसानों की नहीं सियासतदानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्य दाताओं के हक में नहीं, किसी खास राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले एक साल से बैठे हैं। क्योंकि पहले जिनकी मुख्य मांग महज 3 कृषि कानून की वापसी थी, उनकी मांगों की फहरिस्त तब और लंबी हो गई, जब पीएम मोदी ने उनकी मुख्य मांग को मान ली। अब सरकार को बक्कल गैंग ब्लैकमेलिंग करने पर तुला है। देश को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं ये हंगामा जीवी, सरकार को अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं। एमएसपी से ही किसान को लाभ मिलेगा, ये जो 3 काले कानून थे इसमें तो जनता का भी लाभ था, किसानों को तो एमएसपी है, जो आज आते में इनकी फसलों को लूटा जाता है उसका लाभ एमएसपी से मिलेगा। सरकार के पास में देखो, जब तक पार्लियामेंट चलेगा सरकार के पास में सोचने का समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। लोकतंत्र में भरोसा नहीं, न्यायपालिका में आस्था नहीं, संविधान का ख्याल नहीं, यही पहचान है इन आंदोलन जीवियों की, जो सड़क से कानून बनाना चाहते हैं, टेरर फैलाकर देश चलाना चाहते हैं। वरना जिन्होंने इस साल 26 जनवरी को लाल किले की वर्षों पुरानी मर्यादा तोड़ दी, दिल्ली वालों को खौफ ज्यादा कर दिया, कई पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से रौंदने की कोशिश की थी, वही बंधकबाज अब एक बार फिर दिल्ली में उपद्रव फैलाने का प्लान बना रहे हैं। 29 नवंबर को ट्रैक्टर टेरर पार्ट 2 की पूरी तैयारी है। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा। तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और 10 दिन तो आपको झेलना भाई, 10 दिन तो प्रेस, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, बीजेपी के लोग सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी। अय्याश गैंग के आका राकेश टिकैत के इस ऐलान के साथ ही दिल्ली वालों के आंखों के आगे 20 जनवरी 2021 का वो खौफनाक मंजर गुजरने लगता है, जिस दिन दिल्ली का दिल उस अनहोनी पर जोर जोर से धड़क रहा था, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट अय्याश गैंग के आका राकेश टिकैत और उसके गुर्गों ने लिखी थी और टिकैत के लठैतों ने उसे अंजाम दिया था। तो क्या एक बार फिर दिल्ली में 29 नवंबर को बेबस होंगे लोग, पस्त हो जाएंगे पुलिस वाले और टिकैत के ट्रैक्टर बाज ऊधम मचाएंगे, लोगों को डराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।